खबर गाजीपुर जनपद से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादात पर दिन में स्वास्थ्य सेवाओं तो ठीक चलती है, लेकिन रात में अस्पताल पर भी एक भी डॉक्टर न होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सिगारपुर के रहने वाले संजू यादव उम्र 50 वर्ष, पेट के दर्द से परेशान हुई तो अपनी बहन के लड़के को टोडरपुर से बुलाई, जो कि बिपिन यादव लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत है और महिला संजू यादव के दो लड़के सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। जब बिपिन यादव महिला संजू यादव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर कोई डॉक्टर न होने से परेशान हो गए, प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। वह महिला दर्द से छटपटा रही थी। वही रात्रि में आपातकालीन ड्यूटी पर किसी डॉक्टर के न होने से हॉस्पिटल पर आदमी बेमौत मर जाएगा। रात में डॉक्टर की तलाश में बाइक पर लेकर अपनी मौसी को पूरा मार्केट डॉक्टर की तलाश में भटकता रहा, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना दुख बयां किया। इस दौरान बिपिन यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम चाची? चंदू। संजू। संजू, क्या दिक्कत रहा आपके? ये बुखार आ रहा था पहले से जी, लेकिन हॉस्पिटल पे हम लेके आए ना, दिखाओ करके तो दवाई तो चेयर से खाते हैं तब वो खरवा सही होगा ना जी, पेट दर्द करे लगा। तो अभी गए अस्पताल पर, डॉक्टर ना पटी ना? नहीं, कोनो डॉक्टर ना हो ना? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीपी नहीं आता सर। कहाँ के रहने वाले? हम तो रहने वाले हैं टोडरपुर के जी, और ये हमारे मौसी जी हैं, इनके दो बच्चे हैं जो आर्मी में इस समय हैं, बॉर्डर पर हैं। और अच्छा, इनके दो बच्चे बॉर्डर पर हैं, आपकी मौसी जी हैं जी, और इनके परिवार में दोनों बच्चे बॉर्डर पर हैं, ये अकेले घर के सहारा हैं। और इन मैं छुट्टी पाया था, मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। आप कहाँ सर्विस करते हैं जी? आप कहाँ सर्विस करते हैं? हम तो लखनऊ में सिम सर्विस। अच्छा, आप बीपीपी में हैं जी? जी। अच्छा, तो क्या मामला है, आप बहुत परेशान है, 10 बज रहा है इसमें। हमारे घर पर गए तो मम्मी जी हमारे थी, तो बता रही थी मौसी जी का तबीयत खराब हुआ है। हम बोलो चलो ठीक है, तो इन ज़्यादा तबीयत खराब है, इनको रोग पूरा पेट और फूल गया है। तो इनके एक लड़के आए थे, तो उन्होंने दवा ववा दिलवा कर वो चलेंगे ड्यूटी पर। तो कहाँ दिखाए थे? इस सरकारी हॉस्पिटल पर, देखिए सुबह बची है जी, यही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादात जनपद गाजीपुर में। ये सुबह दवा लेके गए थे और दवा खाएं, थोड़ा आराम उराम हुआ, बुखार उखार तो सही है थोड़ा, लेकिन पेट में अचानक दर्द होने लगा, जैसे कि 7:30 बजे के बाद होने लगा इनको दर्द। शाम को बच्चे भी घर पे नहीं है, मैं टोडरपुर से 7-8 किलोमीटर के दूर से मैंने इनको आया लेकर गया कि सरकारी हॉस्पिटल पर यहाँ ले गया, सामुदायिक केंद्र आप जो आपका ये सादात में। वहाँ कोई चिकित्सक नहीं मिला? कोई नहीं मिला जी, इमरजेंसी ड्यूटी में भी कोई नहीं था। ये मैं पूछा गया तो इमरजेंसी ड्यूटी कोई है तो बताइए, उनको हम दिखा लें उसे या हैं कहीं उनको बुलाइए, तो बता रहे हैं कोई यहाँ पे है नहीं यहाँ पे कोई। और मैंने परेशान होकर आऊँ, वहाँ पर रोड ऐसा था कि रोड पे मैंने गिर गया, इनको इतनी भारी शरीर लेकर हम अकेले परेशान हो गए, गाड़ी में फंस गई। जाते समय उस रोड की हालत देखेंगे तो क्षेत्र वालों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि उस रोड की स्थिति क्या है, उस रोड पे कोई मरीज कैसे ले जा सकता है। और उसी स्थिति में इनका और तबीयत खराब हो गया, मैंने बैठाया हूँ, कोई भी प्राइवेट भी इलाज हो जाए तो हम बहुत। तो प्राइवेट चिकित्सक भी नहीं मिले आपको? कोई प्राइवेट चिकित्सक और सरकारी हॉस्पिटल भी कोई डॉक्टर नहीं मिला जी, कोई नहीं बता। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत बेहतर कर दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब यहाँ देख लीजिए व्यवस्था आपके, हम यहाँ पे पड़े हैं लेकर, अभी कोई कोई प्राइवेट भी मिल जाता तो हम इलाज करवा लेते कोई, लेकिन कोई प्राइवेट भी अब शाम को कोई यहाँ पे नहीं मिला, इस टाइम ना कोई हॉस्पिटल इस क्षेत्र में कोई सरकारी या प्राइवेट।